A very very good morning, my dear students. How are you? Fine. Now today see English first period ever. English. So take out your English textbook, and now see lesson number which lesson? Lesson number 6. Okay. So lesson number 6, a visit to granny. Which lesson? Lesson number 6, a visit to granny. So now see, okay, a visit to granny, we have completed our exercise A, B and C. Okay, yes, see, jumble word, rearrange the words, we have completed now. Now today we will see first lesson reading. लेसन को रीड करेंगे सबसे पहले एंड देन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग देखेंगे. हाँ, सो एक्सरसाइज बी से हम लोग स्टार्ट करेंगे. ए बी एंड सी वी हैव कंप्लीटेड. सो नाउ एक्सरसाइज डी टुडे वी विल सी, बट उससे पहले हम लोग एक बार लेसन रीड करेंगे. ओके, सो नाउ सी अ विजिट टू ग्रैनी, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37. ओके, सो सी जोया एंड मम्मी आर गोइंग टू विजिट ग्रैनी. Zoya and mummy are going to visit granny. Granny loves fruits. Granny loves fruits. Mummy wants to buy fruits for granny. Mummy wants to buy fruits for granny. Zoya goes to the fruit shop with mummy. Zoya goes to the fruit shop with mummy. On the way, what happened? On the way, they see many other shops. On the way, they see many other shops. Then, some sell toys, some sell books, some sell clothes. Okay? Then, they reach the fruit shop. Okay? It is a big shop. Understand? The shop has lots of fruits. There are red apples in the shop. There are yellow mangoes in the shop. Then there are green melons and purple grapes too. Okay, green melons and purple grapes too. There are brown chikus and oranges. There are brown chikus and oranges. Okay. There are bunches of yellow bananas too. Okay. Then next, Zoya and mummy buy lots of fruits. Okay, they buy a melon, mangoes and some grapes. उन्होंने क्या क्या खरीदा फिर जो फ्रूट शॉप पे वो गए वहाँ से? मैंगो लिए, मिलन्स लिए और ग्रेप्स लिए. ओके, देन They also buy oranges and bananas. Okay. The shopkeeper takes a basket. He puts the melon and mangoes on one side. Okay. He puts the bananas on the other side. He puts the oranges and grapes on top. The fruit basket looks lovely. Mummy gives money to the shopkeeper and takes the basket. Zoya and mummy walk home. Zoya said, Granny will be so happy to get the fruit basket. Mummy said, we too will feel happy. Okay?
दिस इज अवर लेसन। जोया और उसकी मम्मी उसके ग्रैंड मदर से ग्रैनी से मिलने जा रहे हैं। मम्मी को लगा कि भाई ग्रैनी के लिए फ्रूट्स खरीदना चाहिए। फिर जोया ने और उसकी मम्मी ने फ्रूट शॉप पे जाने का सोचा, वहाँ से फ्रूट्स खरीदे और रास्ते में उन्हें बहुत अलग अलग शॉप्स दिखी है और लास्ट में वो फ्रूट शॉप पे गए। फ्रूट शॉप कैसा था? इट इज़ अ वेरी बिग फ्रूट शॉप। वहाँ बहुत सारे फ्रूट्स थे, उसमें से जोया ने मम्मी ने बहुत सारे फ्रूट्स खरीदे। फ्रूट्स खरीदने के बाद जोया की मम्मी ने फ्रूट वाले को मीन्स शॉपकीपर भैया को क्या दिए, मनी दिए, मीन्स पैसे दिए। एंड देन दे गो, वो अपने अपने घर के लिए चले गए। अभी घर जाते वक्त रास्ते में जोया मम्मी को बोल रही है कि मम्मी हमारी ग्रैनी ये फ्रूट बास्केट देख के, लवली फ्रूट बास्केट देख के बहुत खुश होगी। तो हम लोग भी खुश हो गए, मम्मी बोली ग्रैनी खुश तो हम भी खुश। ओके, सो नाउ देखो हमारा जो एक्सरसाइज था ए बी एंड सी हमने कंप्लीट किया था। नाउ हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज डी। अभी एक्सरसाइज डी में आप लोगों को क्या दिखाया, देखो फिल इन द ब्लैंक्स यूज वर्ड्स फ्रॉम द मिलन्स। देखो यहाँ एक मिलन दिया गया है आपको, एक तरबूज दिया गया है और वो तरबूज में जो वर्ड्स हैं ना वो वर्ड्स आपको चूज करने हैं और राइट करने हैं। ओके, सो ये वर्ड्स को चूज करो और यहाँ फिल इन द ब्लैंक में राइट करो। सो क्या बोला है देखो, फिर सी फर्स्ट है एज रेड एज। अभी रेड के जैसा क्या होता है, रेड क्या होती है, फिर चेरी होती है। सो फर्स्ट का आंसर ऑलरेडी उन्होंने हमें लिख के दिया है, क्या है फिर, चेरी। सो एज रेड एज चेरी, ठीक है, फर्स्ट आपको दिया है। अभी सेकंड क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्या है देखो, एज ग्रीन एज ग्रीन क्या होता है फिर, हाँ ग्रास क्या होता है, गवत, हिरव्या रंगाचं असते ना गवत। सो ग्रीन ग्रास, सो एज ग्रीन एज ग्रास। सो सेकंड का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग फिल इन द ब्लैंक में, ग्रास। ओके, जी आर ए डबल एस ग्रास। देन थर्ड है एज वाइट एज, वाइट कैसा होता है फिर, क्या होता है वाइट, एज वाइट एज। इसमें क्या दिया है हमें, ग्रास हो गया, चेरी हो गया। ओके, देन नेक्स्ट हम लोगों को क्या दिया है, कोल दिया है, स्काई है और स्नो है। सो एज वाइट एज क्या होता है फिर, स्नो। स्नो मीन्स क्या है, स्नो बर्फ, बर्फ वाइट होता है ना। सो स्नो एस एन ओ डब्ल्यू, स्नो मीन्स बर्फ, क्या होता है, बर्फ होता है। ओके, देन नेक्स्ट है एज ब्लू एज, एज ब्लू एज क्या है फिर, ब्लू स्काई, क्या है, ब्लू स्काई है, एज ब्लू एज स्काई, फोर्थ वाला है फिर स्काई, अंडरस्टैंड। एंड देन नेक्स्ट एंड लास्ट है एज ब्लैक एज, ब्लैक क्या होता है फिर, कोल, कोल मीन्स कोळसा, क्या होता है, फिफ्थ वाला है कोल। सो कोल मीन्स कोळसा, अंडरस्टैंड माई डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ एक्सरसाइज डी वी हैव कम्प्लीटेड, पेज नंबर 39 हमारा भी कम्प्लीट हो गया है। नाउ पेज नंबर 40। ओके, देखो फिर क्या दिया है इसमें, फिल इन डबल लेटर्स टू कम्प्लीट द वर्ड्स। वर्ड्स को कम्प्लीट करने के लिए डबल लेटर्स को फिलअप करो, वर्ड्स को कम्प्लीट करने के लिए डबल लेटर्स को फिलअप करना है। ओके, सो फर्स्ट है वो जो डबल लेटर्स हैं वो आप लोगों को दिए हैं एक बॉक्स में, हेल्प बॉक्स जो आपको दिख रहा है ना, उसमें वो डबल लेटर्स आपको दिए हैं। अभी देखो फिर क्या क्या है उसमें, फर्स्ट आपको दिया है ए, हाँ, और डैश डैश एल ई। सेकंड है जी आर ए डैश डैश। थर्ड आपको दिया है एस यू डैश डैश ई आर। देन फोर्थ आपको दिया है एस पी ए डैश डैश ओ डब्ल्यू। फिफ्थ आप लोगों के लिए दिया है के आई डैश डैश ई एन। एंड लास्ट एंड सिक्स्थ वाला जो है वो है बी ए डैश डैश डबल ओ एन। ओके, सो क्या है फिर ये, टेल मी, चलो बताओ। अभी आप लोग डबल लेटर्स यहाँ फिलअप करना है ना। सो देखो फिर आप लोगों को स्पेलिंग्स यहाँ भी मालूम होना ज़रूरी है। सो मैं आपको क्या बोलती हूँ, लेसन हुआ कि स्पेलिंग आप लोग लर्न करो, हाँ,
लेसन जितनी बार आप लोग रीड करोगे ना उतनी बार आप लोगों को लिए ही अच्छा है। आप लोगों के स्पेलिंग्स लर्न होंगे, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी कुछ, और अदर भी जो है वो आप लोगों का सब अच्छे से रहेगा, है ना। सो अच्छे से पढ़ाई करना है, स्पेलिंग्स लर्न करना है, लेसन को रीड करना है बार बार। ओके नाउ सी माय डियर स्टूडेंट, अभी क्या बोला है फिर हमें, ए डबल पी एल ई एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल क्या है, फिर क्या आएगा वहाँ डबल लेटर, कौन से डबल लेटर आएगी वहाँ, डबल पी आएगा, क्या आएगा फिर आपको जो हेल्प बॉक्स दिया है उसमें थर्ड जो है वो डबल पी दिया है, यस। सो ए डबल पी एल ई, ओके। सो यहाँ आप लोग राइट करोगे डबल पी, क्या राइट करोगे आप लोग यहाँ, डबल पी, ओके। देन नेक्स्ट है जी आर ए डबल एस, ग्रास। सो यहाँ डबल एस आएगा, ओके। देन नेक्स्ट है एस यू डबल एम ई आर, समर, क्या आएगा ये डबल एम। सो एस यू डबल एम ई आर, समर। देन एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू, स्पैरो, स्पैरो मीन्स चिमनी, समर मीन्स धुपकाला, उन्हाड़ा, हाँ। सो एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू, स्पैरो, स्पैरो मीन्स चिमनी, क्या होता है चिमनी। देन के आई डबल टी ई एन, कीटन, कीटन मीन्स जो बिल्ली के बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, उसे हम लोग कीटन बोलते हैं। सो बिल्ली के बच्चे। देन नेक्स्ट है बलून, बी ए डबल एल डबल ओ एन, बलून, बलून तो आप सभी को पता है ना। सो नाउ यहाँ जो है ये डबल लेटर्स वाला हम लोगों ने फिलअप किया। देखो फिर क्या क्या हमने किए, फर्स्ट इसमें कौन सा स्पेलिंग हमारा बना, मीनिंगफुल स्पेलिंग बने ना हमारे, मीनिंगफुल वर्ड्स बने ना डबल लेटर्स फिलअप करने के बाद। देन देखो ए डबल पी एल ई एप्पल, देन जी आर ए डबल एस ग्रास, एस यू डबल एम ई आर समर, एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू स्पैरो, के आई डबल टी ई एन कीटन, एंड बी ए डबल एल डबल ओ एन बलून। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। सो एक्सरसाइज हम लोगों ने डी और ई यहाँ कंप्लीट की, अब एक्सरसाइज एफ देखेंगे। सो अच्छे से ध्यान देना है, एक्सरसाइज एफ जो है हमारी वो ग्रामर का पार्ट है थोड़ा सा। सो सी ग्रामर पार्ट में ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट देखो आप लोगों ने अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं ना बेटा, के जी वन नर्सरी से आप लोग अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे हो, ओके। सो अल्फ़ाबेट्स आप लोगों ने पढ़े, उसमें आप लोगों ने के जी टू में जो है वो वोवेल्स और कंसोनेंट्स देखे, स्वर एंड व्यंजन। वोवेल्स मीन्स स्वर और व्यंजन मीन्स कंसोनेंट्स, ओके। सो स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। सो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश में, मराठी में नहीं, हिंदी में नहीं, हिंदी में स्वर, मराठी में स्वर कितने हैं फिर, अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा, ये हुए स्वर। और व्यंजन क्या है, क ख ग घ न, ओके, लाइक दिस, ये पूरे जो है वो व्यंजन है। लेकिन इंग्लिश के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स है ए से लेके झेड तक, इसमें वोवेल्स कितने हैं फिर, ओनली फाइव वोवेल्स है। कितने वोवेल्स है, स्वर कितने हैं फिर, फाइव। और कंसोनेंट्स मीन्स व्यंजन कितने हैं, 21, कितने हैं ए से लेके झेड तक टोटल कितने ये होते हैं हमारे, 26 होते हैं, ओके। उसमें से फाइव अगर गए तो 21 रहे, है ना। सो फाइव वोवेल्स कौन से हैं, देखो फिर ए ई आर ओ एंड यू, ये जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये है वोवेल्स। क्या है ये, वोवेल्स है, क्या है ये, वोवेल्स है। और जो अदर है वो 21 बचे है, ये फाइव वोवेल्स है और 21 क्या है, कंसोनेंट्स, ओके।
सो 21 कंसोनेंट्स है और 5 वोवेल्स है. सो ये जो है अदर आप लोगों को कंसोनेंट्स ध्यान में रखने की बात है ही नहीं. कंसोनेंट्स नहीं भी ध्यान में रखे तो चलते हैं, ओनली ये 5 वोवेल्स ध्यान में रखो. इसी के ऊपर जो है अभी हमारा ये अगला वो वोवेल्स पे ही है सारा, है ना. सो ये जो वोवेल्स है इसे अच्छे से देखो, इसे अच्छे से लर्न करो और इसे ध्यान में रखना है आपको. इसे भूलना है क्या? नहीं भूलना है क्या आप लोगों को इसे? नहीं, नेवर, है ना. सो क्या है वोवेल्स, कौन से 5 वोवेल्स हैं हमारे, देखो फिर. ए ई आई ओ यू, मेरे साथ रिपीट करो. ए ई आई ओ यू, दीज आर 5 वोवेल्स. क्या है ये? वोवेल्स. इसका आप लोग उच्चार कैसे करोगे? वोवेल्स, वी ओ डब्ल्यू ई एल एस, वोवेल्स. अंडरस्टैंड? सो ये 5 वोवेल्स है और 21 जो है वो कंसोनेंट्स है. ओके, सो कंसोनेंट्स आपको समझ में आ जाएंगे. 5 वोवेल्स निकाल दिए कि बचे हुए सारे कंसोनेंट्स हैं. ओके, सो ये जो वोवेल्स हैं ना डियर स्टूडेंट्स, सो इन वोवेल्स के सामने जब भी हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं और उसकी स्टार्टिंग, जो भी वर्ड आप लोग लिख रहे हो वो वर्ड की अगर स्टार्टिंग जो है, शुरुआत जो है वो इन वोवेल्स से अगर रही, वो इन वोवेल्स से अगर रही तो हम लोगों को उसके सामने हमेशा एन लगाना पड़ता है. क्या लगाना पड़ता है? एन. जैसे एन ऑरेंज. क्यों हम लोगों ने वहाँ एन लगाया? बिकॉज ये जो वोवेल्स है, ये जो वोवेल्स है इनसे अगर शुरुआत रही किसी वर्ड की तो उसके सामने हम लोग हमेशा एन लगाते हैं. क्या लगाते हैं? एन, ए एन एन. ओके, और जो कंसोनेंट्स हैं उनके सामने हमेशा ए लगता है. क्या लगता है? ए. अ पेन. ए नहीं बोलते हम उसे, अ बोलते हैं ना, अ पेन. ओके, देन अ बुक. ओके, अ डस्टर. अ डस्टर. अ पेन. अ बुक. ओके, ये क्या है? कंसोनेंट्स है. सो हम लोगों ने इसके आगे क्या लगाया? अ लगाया, है ना. और एन हम लोग किसके आगे लगाते हैं? ओनली ये जो 5 वोवेल्स से शुरुआत हो रही है, जैसे एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज हो गया, ओ का हो गया वर्ड ऑरेंज, अम्ब्रेला यू का हो गया, एन आइसक्रीम. ओके, एन आइसक्रीम, देन एन एलिफेंट एंड एन एप्पल. अंडरस्टैंड? सो ए ई आई ओ यू, ये जो है ये क्या है भाई? ये 5 वोवेल्स है और ये वोवेल्स की जो शुरुआत है उसके लिए हम लोगों को हमेशा एन लगाना पड़ता है. सो एन एप्पल. ओके, एंड एलिफेंट, देन एन आइसक्रीम, देन एन ऑरेंज, एंड लास्ट वर्ड इज एन अम्ब्रेला. नीचे का वर्ड आपको दिख रहा नहीं है शायद, बट ओके, सो लाइक दिस. ये जो F वाली हमारी एक्सरसाइज है ना, ये हम अभी नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. हमारा टाइम खत्म हो गया है, लेकिन आज का आपका होमवर्क क्या है फिर? आज का आपका होमवर्क है ये जो हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स की है एक्सरसाइज D वाली, पेज नंबर 39 पे की वो एक्सरसाइज, वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको नोटबुक में राइट करना है. और उसी के साथ लिसन केयरफुली, आप लोगों को पूरी ABCD एक बार लिखो. हाँ, पूरी ABCD A से लेके Z तक राइट करना है नोटबुक में, और उसमें जो ये वोवेल्स है 5 उनको सर्कल करना है. अंडरस्टैंड? ये जो 5 वोवेल्स है उन्हें सर्कल करना है. दिस इज योर टुडेज होमवर्क. अंडरस्टैंड माई डियर स्टूडेंट्स? सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, बाय.